मैं हूं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभणी आज तक। चल जाए आज की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। खास खबर यह है, पुरना तहसील के अंतर्गत आने वाले ताड़क्लस के करीब माकनी यहां पर जोरदार विज्ञान प्रदर्शन का आयोजन किया गया था। 28 फरवरी 2022 को जिला परिषद प्राथमिक स्कूल माकनी में विद्यार्थियों ने जिस तरह से साइंस डे जिस तरह से मनाया है, उसी के चलते इस प्रोग्राम में गाँव के सरपंच गोविंद राव, केंद्र प्रमुख सिद्धार्थ मस्के, प्रगतिशील किसान जनार्दन आवरगढ़, इनकी मौजूदगी थी। विद्यार्थियों को सबसे पहले विज्ञान दिन का महत्व मस्के सर ने समझाया। इसके बाद गजानन पवार सर ने डॉक्टर सीवी रमन इनके जीवन पर नज़र डाली। एनएमएमएस परीक्षा में द्वितीय क्रमांक आई हुई कुमारी गायत्री अवरगंड इस छात्रा का सत्कार किया गया और सत्कार करने के बाद में विज्ञान के प्रयोग इस समय सादर किए गए। कुल मिलाकर 25 विज्ञान के प्रयोग सादर किए गए हैं, जिसमें जैसे कि हवा को वस्तुमान होता है, ऑक्सीजन ज्वलन के लिए मदद करता है, पानी की घनता, जड़त्व, किडनी के कार्य, ऐसे अनेक महत्व के जाने वाले प्रयोग सादर किए गए हैं। केंद्र प्रमुख मस्के सर सरपंच गोविंद राव आवरगढ़ ने छात्राओं को प्रश्न पूछकर उनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित किया है। इस कार्यक्रम का सूत्र संचालन गजानन पवार सर ने किया, तो आभार प्रदर्शन राम महाराज इन्होंने किया। विज्ञान प्रदर्शन के मौके पर माकनी के कामयाबी के लिए संजय कुमार जोशी सर ढगे सर इन्होंने कोशिश की है। राज्यपाल के वक्तव्य का शिवप्रेमियों ने किया निषेध। आंदोलन में जिस तरह से शिवप्रेमियों ने उत्साह बताया है, जिस तरह से उत्स्फूर्त प्रतिसाद बताया है, घटनात्मक पद पर रहने वाले राज्यपाल ने जिस तरह से वक्तव्य किया है, ऐसे व्यक्ति को घटनात्मक पद पर नहीं रहना चाहिए, ऐसा भी कहा गया है। देश के आधार स्तंभ दैवत छत्रपति शिवाजी महाराज, इनके बारे में जिस तरह से भगत सिंह कोश्यारी जो महाराष्ट्र राज्य का राज्यपाल है, इन्होंने जिस तरह का वक्तव्य किया है, इसी के चलते छत्रपति शिवाजी महाराज इनके पुतले के सामने शिव प्रेमियों ने जिस तरह से आंदोलन किया है और निषेध व्यक्त किया गया है। इस वक्त हाजिर फौजिया तहसीन खान, माजी आमदार विजय गवाने और शिव प्रेमी बड़े तादाद में इस वक्त मौजूद थे। आप देख सकते हैं कि किस तरह से राज्यपाल इनका निषेध किया जा रहा है और निषेध करने के बाद में आइए जानते हैं। राज्यपाल कोश्यारी छत्रपति शिवाजी महाराज की, भगत सिंह कोश्यारी छत्रपति शिवाजी महाराज की। महाराष्ट्र आणि देश आहे, खरं तर तुम्ही एखाद्या चांगल्या घटनात मग अशा पदावर बसता आणि तुम्हाला छत्रपती शिवाजी महाराजांचा आज अभ्यास करावा लागतोय, ही खरं तर खूप दुर्दैवी गोष्ट आहे महाराष्ट्रासाठी आणि देशासाठी। एवढ्या मोठ्या पदावर बसूनसुद्धा तुम्हाला छत्रपती शिवाजी महाराजांचा आज अभ्यास करायची वयाची सगळी संपत आहे, त्याच्या वय म्हणजे वय संपत आलेलं आहे आणि त्या टायमाला ते आज म्हणत आहेत की मला छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अभ्यास नाही आम्हाला करावा लागेल, तर ही फार दुर्दैवी महाराष्ट्रासाठी गोष्ट आहे, देशासाठी गोष्ट आहे। त्यामुळे आम्ही या कोश्यारीचा एक तर खूप जाहीर निषेध करतो आणि परभणी जिल्ह्यामध्ये जर यांना माफी मागितली नाही आणि तात्काळ याच्यावर हे दिलं नाही, स्पष्टीकरण दिलं नाही, तर आम्ही परभणी जिल्ह्यात याहीपेक्षा मोठ्या तीव्रपणे आंदोलन उभं करूत, असं या ठिकाणी मी सर्व शिवप्रेमींच्या वतीनं सांगतो। सकल मराठा समाजाचे भावना दुखवण्यात आलेले आहे। महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी छत्रपती शिवाजी महाराजाच्या बाबत जे बेताल वक्तव्य केलेलं आहे, आणि बेताल मी म्हणत नाही आहे तर जाणीवपूर्वक त्यांनी इतिहासामध्ये बदल व्हावा आणि या इतिहासामध्ये हस्तक्षेप करून छत्रपती शिवाजी महाराजाचा माता जिजाऊचा महत्त्व या महाराष्ट्रामध्ये आणि देशामध्ये कमी व्हावा या पद्धतीच्या जे धोरणात्मक असा एक त्यांची वाटचाल आहे आणि त्याप्रमाणे त्यांनी जे वक्तव्य केलेलं आहे, कोर्टानेसुद्धा हे सांगितलेलं आहे की हे चुकीचं आहे, असं करता येत नाही, तरीसुद्धा हा राज्यपाल असं सांगतोय। आम्ही ह्या राज्यपालाचा निषेध करायला इथे रस्त्यावर उतरलेलो आहोत आणि आम्हाला एकच मागणी आमची आहे की राज्यपालाचा जे अजेंडा आहे, जे ते अजेंडा चालवण्याचा प्रयत्न या महाराष्ट्रामध्ये करत आहे, ते आम्हाला मान्य नाही आहे आणि म्हणून राज्यपालाची बदल व्हावी हीच आमची मागणी आहे। आणि जर राज्यपालाची बदल झाला नाही तर असाच आमचा जे आहे कार्यक्रम निदर्शनाचा चालू राहील। करणारा घटनाविरोध काम करणारं सामर्थ्य मोदी सरकारने राज्यपालाला दिलं मिळावं। 12 आमदारांच्या प्रश्नाचा
प्रश्न निलंबित ठेवल्यामुळे त्यांना मी जास्त ताकदवर झालो असं वाटायला लागलं. आणि ती ताकदीची दिलेल्या मोदीच्या सामर्थ्याच्या ताकदीची सगळी डोक्यामध्ये उतरल्यामुळे काळी टोपी त्यांच्या डोक्यावर असल्यामुळे त्यांच्या डोक्यामध्ये काळी टोकीचा मनोवृत्तीचा विचार, शिवाजी महाराजला हिन्न दाखवायचा विचार हा संपलेला नाही. त्या मनोवृत्तीतूनच त्यांनी परवाचं वक्तव्य केलेलं आहे. शिवाजी महाराजाच्या बाबतीमध्ये बोलत असताना मला इतिहास माहिती आहे म्हणून त्यांनी आज आपली मुलाखत दिलेली. तुम्हाला महाराष्ट्राचा शिवाजी महाराजचा इतिहास आला नाही तो इथं महाराष्ट्राचा राज्यपाल म्हणून महाराष्ट्रात येत असताना शिवाजी महाराजांना वंदना केल्याशिवाय महाराष्ट्रात पाऊल ठेवता येत नाही, त्यांचा इतिहास सांगितल्याशिवाय सांगता येत नाही. म्हणून मग आम्ही राज्यपालांना विनंती करतो की राज्यपाल इमानदार असाल तर खरं बोला, तुम्हाला इतिहास माहीत नव्हता तो तुमचा बोलवती घरी कोण, तुमच्या कानात सांगितलं कोणी, मोहन भागवतने सांगितलं का देवेंद्र फडणवीस सांगितलं हे बोलण्यासाठी तुम्हाला, ते सांगा प्रामाणिकपणे. मला इतिहास माहीत नव्हता पण यांनी सांगितल्यामुळे मी सांगताय आणि यांच्याच राज्यात तत्वाच्या राज्यात मला त्यांना घटनेचा काही संबंध नाही, विचाराचा काही संबंध नाही, घटनेच्या अभिमानाचा संबंध नाही. सगळा पायदळी तोडून तोच घाणेरडा विचार महाराष्ट्रात राबवायचा आणि महाराजांचा अपमान करायचा जो कार्यक्रम चालला आहे याच्याकरता महाराष्ट्र संतापलेला आहे, शिवप्रेमी संतापलेला आहे आणि तो या राज्यपालांना हटल्या हटवल्याशिवाय राहणार नाही. हीच आमची याबद्दल पुढची चळवळ आहे. किसी जानदार की जान बचाना या किसी जानदार की हिफाजत करना ये एक ऐसा काम है जिसे सवाब का काम कहा जाता है. और सर्पमित्र हुसैन चाउस और इनकी टीम, आप देख सकते हैं कि हुसैन चाउस और इनके साथ में इनके साथी लड्डिया किस तरह से इस सांप को कांटे के झाड़ से बचा रहे हैं और किस तरह से इसे बचाने की कोशिश की जा रही है. इस सांप को मारने की कोशिश मुंगूसों ने की थी और मुंगूस इसके पीछे लगे थे, जिसके चलते ये सांप अपनी जान को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए सुरक्षित जगह पर पहुंच गया है और एक कांटे के झाड़ पर ये सांप बैठ गया है. यहाँ के पड़ोसियों ने जब इस सांप को इस कांटे वाले झाड़ पर देखा तो उन्होंने सर्पमित्र हुसैन चाउस और इनके दोस्तों को बुलाया और बुलाने के बाद में इस सांप की जान बचाई गई है. और इस सांप की जान बचाने के बाद में आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस कांटे वाली झाड़ से, इस कांटेदार झाड़ से किस तरह से इस सांप को निकाला जा रहा है. हिफाजत के साथ इस सांप को यहां से निकाला गया है. और जिस तरह से सर्पमित्र हुसैन चाउस ये अपने काम को बखूबी अंजाम देते हुए नज़र आ रहे हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस सांप की जान बचाई जा रही है. और जब इस सांप की जान बचाई गई है उसके बाद में इसे किस तरह से पानी भी पिलाया गया है, आप ये भी नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरह से इसे कांटेदार झाड़ से बचाया गया है और बचाने के बाद में इसे किस तरह से महफूज रखा जा रहा है, किस तरह से इसे कंट्रोल में लाया जा रहा है. और जब तक ये सांप कंट्रोल में नहीं आएगा आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये ज़िंदा सांप है. और ज़िंदा सांप को जब हुसैन चाउस, सर्पमित्र हुसैन चाउस इन्होंने इसकी जान बचाई और जान बचाने के बाद में आप देख सकते हैं कि इसे किस तरह से इस सांप ने पानी पिया है, ये भी नज़ारा आप देख लीजिए कि किस तरह से सर्पमित्र हुसैन चाउस इन्होंने इस सांप को एक पाउच पूरा पानी का पिलाया है. और पानी का पाउच पिलाने के बाद में इसे किस तरह से जंगल में छोड़ा गया है, आप ये भी नज़ारा देख सकते हैं कि सर्पमित्र हुसैन चाउस किस तरह से ये काम करते हुए नज़र आते हैं और सांपों की जान को किस तरह से बचाते हैं, सांपों को किस तरह से बचाते हैं और बचाने के बाद में इन सांपों को जंगल में महफूज जगह पर ले जाकर छोड़ दिया जाता है. बहुत ही जिम्मेदारी के साथ में सर्पमित्र हुसैन चाउस और इनकी पूरी टीम ये काम करती हुई नज़र आ रही है. आप देख सकते हैं स्क्रीन पर इनका नंबर दिया है. ऐसी सूरत में अगर आपके आस पड़ोस में कहीं पर सांप किसी तरह से मुसीबत में नज़र आए तो ऐसी सूरत में आप हुसैन चाउस से संपर्क कर सकते हैं, स्क्रीन पर उनका नंबर दिया हुआ है. परभणी शहर के बाबर कॉलोनी स्थित उमरिया मस्जिद में 28 फरवरी 2022 को शबे मेराज के मौके पर जिस तरह से इस मस्जिद में मकतब तालीमुल कुरान का जलसा रखा गया था, जिसमें इस मस्जिद के इमाम मौलाना यूनुस अय्यूब खान साहब जो जालना ज़िले के पाटोदे के रहने वाले हैं, इन्होंने जिस तरह से अपने उस्तादों ने इन्हें जिस तरह से बनाया है, जिस तरह से एक हाफिज़ को हाफिज़ कुरान उस्ताद बनाते हैं और उस्ताद जिस तरह से मेहनत करते हैं एक हाफिज़ पर और एक मुकम्मल तालिबे इल्म को पूरी तरह से वेल क्वालिफाइड किया जाता है, एक
तालिबे इल्म को पूरी तरह से बनाया जाता है। जिन उस्तादों ने मौलाना यूनुस साहब को जिस तरह से बनाया है, मौलाना यूनुस अय्यूब खान साहब जिस तरह से जालना ज़िले से पूरी तरह से हाफिज़े कुरान बनकर मुकम्मल आए हैं और परभनी ज़िले में खिदमत अंजाम दे रहे हैं, मौलाना यूनुस अय्यूब साहब के जो उस्ताद मोहतरम है, जितने भी लोगों ने इन्हें तालीम दी है, जितने भी हाफिज़े कुरान लोगों ने इन्हें गाइड किया है, जिन लोगों ने भी इन्हें हाफिज़े कुरान बनाया है, वो मुबारकबाद है। मुबारकबाद उन लोगों को देनी चाहिए जिन लोगों ने हाफिज़ मौलाना यूनुस अय्यूब साहब को जालना ज़िले से पूरी तरह से हाफिज़े कुरान बनाया है और वो परभनी ज़िले में आज खिदमत अंजाम दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से परभनी ज़िले में खिदमत अंजाम दे रहे हैं और जिस तरह से शबे मेराज के दिन इन्होंने एक प्रोग्राम रखा और प्रोग्राम रखने के बाद में इन्होंने किस तरह से यहाँ पर अपने महल्ले के छोटे बच्चों को किस तरह से तरबियत दी है, आप ये भी नज़ारा देख सकते हैं। आइए जानते हैं मौलाना शाहिद, आइए जानते हैं किस तरह की बात मौलाना शाहिद इशादी साहब ने की है और क्या मैसेज मुस्लिम समाज को दिया है, खुद इन्हीं की जबानी। उसके अलावा जानी सर और उसके अलावा हमारे बोश वाले टावर वाले रियाज भाई और उसके अलावा खमरुद्दीन भाई माशाल्लाह इन्होंने भी नाम में हिस्सा लिया है और उसके बाद जिसको मुझे नाम तो याद नहीं रहा, मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन नाम दिल में है, जुबान पर नहीं आ रहा है। तो जिन हजराते ने हिस्सा माशाल्लाह लिया है अल्लाह उनको जज़ा खैर दे। अब आखिर में मैं चाहता हूँ कि जिन लड़कियों ने हिस्सा लिया है उनको जो है तो कापी और स्टाफ और पेन इनाम भी दिया जाए। लड़कियाँ खड़े रहे, खड़े हो बेटा, सब खड़े हो। तमाम लड़कियों को इनाम दिया जा रहा है, वक्त कम है इस मुनासिबत से तो गई। और कोई लड़की है जो हिस्सा लिया है बेटा? लड़की कौन है? पाते वाले की बेटा हिस्सा लिया है? नहीं नहीं। अब किसी वजह से कुछ बच्चे रह गए, वक्त बहुत हो चुका है बेटा। और माशाल्लाह जो आपके सामने स्कार्फ और टोपियां दी जा रही है और जो रजिस्टर और पेन दिए जा रहे हैं, ये स्कार्फ और पेन और रजिस्टर हमारे महले के बादल इब्ने अली साहब इन्होंने माशाल्लाह सब लोग बना दिए। क्या मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक अंदाज था तरबियत का, अल्लाह करे कि वो कुड़न और वो तड़प हमारे अंदर नसीब करे। एक मर्तबा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के अंदर तशरीफ़ फरमाते, एक सहाबी आए और हुजूर से कहा कि हुजूर मेरा बच्चा गुम हो गया है, दुआ करें कि वो मिल जाए। हुजूर ने कहा कि देखो फ़लाँ कबीले के बच्चे फ़लाँ जगह खेल रहे हैं, आप उस जगह चल जाओ और जाकर के देखो। अब वो सहाबी थोड़े दूर निकल गए, निकल जाने के बाद फिर मेरे आका ने कहा कि उनको यहाँ बुलाओ। उनको बुलाया और कहा कि देखो आप जहाँ जा रहे हैं ना तलाश के बच्चे के लिए, अगर आपका बच्चा वहाँ मिलता है तो आप अपने बच्चे को गुम होने की वजह से आपको अपने बच्चे का बहुत प्यार रहेगा और आप उसको मोहब्बत देंगे और आपको वो बच्चा मिलने पर आप कहेंगे कि मेरा बेटा और आप उसको सीने से लगाएंगे। हुजूर ने कहा कि अगर आपका बच्चा वहाँ मिल जाता है तो आप उसको प्यार और मोहब्बत नहीं देना और सीने से नहीं लगाना, अगर मिल जाता है तो लेकर के आ जाना। वो सहाबी ने कहा कि हुजूर ये क्या बात है, मेरा लख्त जिगर मेरे से जुदा है, अगर मिल जाए तो मेरे तो उसको सीने से लगाऊंगा और प्यार और मोहब्बत करूंगा। मेरे आका ने कहा कि अगर आपका वो बच्चा मिल जाता है और वो अब्बू कहकर के आपके पास आए और आप उसको सीने से लगाएंगे, उन बच्चों में अगर कोई यतीम अगर बच्चा है उस यतीम बच्चे के दिल पर क्या गुजरेगी, काश कि मेरे भी अब्बू होते तो वो भी मेरे सीने से लगाते और मैं भी उनको अब्बू कह कर के पुकारता। तो आज अहले सरवत लोगों से मेरी गुजारिश है और मस्जिद के ज़िम्मेदारों से भी ये गुजारिश है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर रुख में हमारी रहबरी की है और हमें तालीम दी है, आओ
अगर अल्लाह ने तुम्हें माल दिया है, दौलत दी है, आओ मकातिबों में और जाकर के देखो कि कैसे कैसे गरीब बच्चे होते हैं, यतीम बच्चे होते हैं, यतीम बच्चियां होते हैं। आओ शफकत का सर उनके सरों पर रखो और उनके डिसिप्लिन और उनके कपड़े और उस चीज़ का ख्याल रखो। ये न्यूज़ खबर की हमारे पर बने आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माधव महाराज न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक रियाज कुरैशी, इन्होंने मिलकर, मैं हूं सैयद अखिल, आप देखते रहिए मेरे साथ परभणी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सअप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपको हमारी न्यूज़ किस तरह से पसंद आ रही है इस बारे में हमें कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट जरूर करें। मुझे दीजिए इजाजत, जय हिंद। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स शनिवार बाजार के पास नानलपेट कॉर्नर पर बनी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए किंग ऑफ बेल्ट शनिवार बाजार नानलपेट कॉर्नर पर बनी। मिर्जा मेस सुबेदार नगर डिपो के पास पर बनी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुफ्त लेना है तो संपर्क ज़रूर करें मिर्जा में सुबेदार नगर डिपो के पास परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफ़िन के लिए ज़रूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। उड़ान पुल के पास अनुषा टैकिस के सामने गंगाखेड़ रोड परभणी 24 तास सेवा। अगर आपकी गाड़ी किसी भी जगह पर परभणी शहर के किसी की भी जगह पर पंचर हो रही है तो आप टेंशन ना लें, ये नंबर पर फ़ोन करें। 24 घंटे सेवा उपलब्ध है। सैयद शकील, सैयद इस्माइल, संपर्क ज़रूर करें। समीर टेंट हाउस कुदरती कॉर्नर कादराबाद प्लॉट परभणी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। SPS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस मासूम कॉलोनी दरगाह रोड परभणी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828। महबूब पार्क फंक्शन हॉल मनसब नगर जाम पारवा गेट दरगाह रोड परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल मनसब नगर जाम पारवा गेट दरगाह रोड परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी, याद रहे आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। मोहम्मद अकबर का जनता एल्यूमिनियम पाडोला कॉलोनी सुबेदार नगर दरगाह रोड परभणी। हमारे पास एल्यूमिनियम पार्टीशन, स्लाइडिंग विंडोज, ग्लास वर्क, कंपोजिट पैनल, एल्यूमिनियम डोर्स, कबर्ड्स तैयार और फिट करके सबसे कम कीमत में मिलेंगे। एक बार संपर्क जरूर करें मोहम्मद अकबर। मोबाइल क्रमांक 9890032128।